हेलो मोहंस, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको ये पोटैटो, स्वीट पोटैटो के पत्ते से कितने फायदे होते हैं। जो फीडिंग मदर है, जिसके दूध नहीं आती है, बहुत तकलीफ होता है। तो आज मैं कुछ एक्साइटेड वीडियो लेके आ रही हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है। मेरा भी बच्चा है 2 साल का, तो मेरी जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। आपको जस्ट बॉईल करना है इसको, बॉईल करके उसका पानी खा सकते हैं, और आप सूखा सब्जी बना सकते हो, जैसे साग फ्राई करते हो, ज़्यादा ऑयल नहीं डालने का, तो आप ऐसे बना के खा सकते हैं। ये है वो साग, देखो किसी कोई कोई साग में पत्ते लंबा पत्ता वाला होता है, कोई कोई जगह में राउंड भी होता है, कोई कोई ज्यादा फैला हुआ, हर जगह ऐसा लंबा लंबा फैला हुआ, बीच में राउंड भी होता है, बहुत तरह का होता है ये साग। तो आपको अभी तक मालूम नहीं होगा, आप लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि बच्चे के लिए दूध क्यों नहीं आता है आपका। तो आप बहुत कुछ ले, जैसे पैकेट का दूध खिला रहे हैं, ये कर रहे हो, वो सब अच्छा नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है। जो माँ का दूध का जो पोषण है वो और चीज से नहीं मिलती है, आपको सबको पता है। सब लोग बोलते हैं, जैसे ओल्ड जो बूढ़े लोग हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं, हमेशा समझाते हैं, माँ के दूध से अच्छा और कुछ नहीं है। और आप पैकेट का जो बच्चे का सरले जो लेने के लिए आप जाओ, तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर एनीथिंग। सो आपको क्या करना है, आपको इसको बॉइल करना है और इसका पानी पीना है डेली, इसका सूप बना के पीना है। आप कुछ भी कर सकते हो, इसका सब्जी बना के खा सकते हो और इसका सूप बना के पी सकते हो, आपको कुछ भी, आपको जो आपको अच्छा लगे वही आप कर सकते हो। बट इसके इतने अच्छे फायदे हैं, आप एक बार एक ग्लास आप इसका सूप पियोगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि उसके 4-5 घंटे में ही आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छी तरह आने लगेगा, आप चौंक जाएंगे इसके फायदे देख के। मुझे लगता है अभी किसी को पता होगा, किसी को होगा नहीं। तो बेसिकली नेपाली लोग खाते हैं, बेसिकली नेपाली लोगों को पता रहता है कि इसके फायदे, मुझे भी उसी ने बताया हुआ कि मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना के डालूं इसका, तो सबको पता चले कि सबको फायदा हो जाए इस पत्ते के बारे में, इस साग के बारे में। मैं वही चाहती हूँ सब मदर ट्राई करें ये जो साग है, इसके बारे में सब आप ट्राई करें, आप देखिए आपका जिसका मिल्क नहीं आता है एकदम फटाक से आना शुरू हो जाता है, बच्चा अपना माँ का दूध पिएगा। माँ का दूध से बढ़कर और कुछ भी चीज में पोषक नहीं है, वो सबको पता है, वो डॉक्टर भी बोलता है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, और जो भी मेरी एक्सपीरियंस है जो बाकी वीडियो में आप देखना चाहते हो तो आप सब देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करें तो आपको डेली वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो मेरी सिर्फ एक्सपीरियंस की है। तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।